हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी रेसिपी जिससे किडनी स्टोन जो होता है पथरी वो एकदम से चली जाएगी। तो ये मेरे पास है बिजोरा, इसे ये आप कहीं भी फूड मार्केट में आपको अवेलेबल हो सकता है। ये देखने में ऐसा हो सकता है और ऐसा गोल भी हो सकता है लाइक संतरे की तरह। तो इसके जूस के पीने से किडनी स्टोन जो है जो पथरी वो एकदम से निकल जाती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, उसका जूस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक बिजोरा और सिर्फ थोड़ा सा नमक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस बिजोरे को इस तरह से बीच में से काटूंगा। सो लेट्स डू इट। इस तरह से कुछ दिखेगा ये अंदर से, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको जो ये बीज का है, बीज में जो ये दिख रहा है मौसमी जैसा, उसको आपको एक डिश में निकालना है, ठीक है, और उसका जूस हम बनाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो वही यहाँ पे हमने उसके छिलके निकाल दिए हैं, तो कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको ये लाइक दिस। ध्यान रखें कि ऊपर की जो ये वाइट है वो सब निकाल देना है, अगर थोड़ा बच जाता है तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। और इनमें से नींबू जैसे इसके इसके जो है वो भी निकलेंगे, तो वो आपको निकाल देना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो फाइनली आप मेरे पास छील के निकाले हुए एक बिचोरा है। सो अभी इसके हम पीस कर देते हैं ताकि हम जूस निकालने में आसानी हो। देखिए इनमें बीच में भी बीज है, तो आपको इनको भी निकाल देना है, ठीक है, ताकि आप कर सको बढ़िया से जूस निकाल सको। या मैं इसके टुकड़े कर देता हूँ। तो लीजिए तैयार है, हमने बिचौले के टुकड़े कर दिए हैं, ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिए इनमें कई सारे सही सारे बीज होते हैं, तो आप हर एक को निकाल दीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत ही सारे एक बिचौले में से बहुत सारे बीज निकले हैं, ताकि आप इतने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो ये आसानी से बीज निकल आएंगे। और इसके बाद हमें इसका जूस बनाना है, तो चलिए चलते हैं जूस बनाने के लिए। वेल, ये जूसर तैयार हो गया। इनमें ये छोटे छोटे टुकड़े हैं वो डाल देते हैं। मेरे पास ये जूसर है तो मैं इनमें से ही जूस बना देता हूँ। इसको एक एक टुकड़े को आप डाल दे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सभी टुकड़े डाल दिए हैं और अब मैं इसका जूस बनाना चाह रहा हूँ। पहले विदाउट पानी हम ऐसे ही हम जूस को बनाएंगे, देखते हैं कैसा दिखता है। बाद में अगर ज़रूरत लगी तो हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ अभी डालना नहीं है, अभी सिर्फ माना है, ठीक है। देखिए हमारा जूस कुछ ऐसे हो गया है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। और इसको इसमें थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि ये बहुत ही खट्टा होता है, तो इसमें से थोड़ा सा लाइक इतना इससे भी कम, थोड़ा सा इतना आप नमक डाल सकते हैं ताकि ये पीने में थोड़ी आसानी हो। ध्यान रखिए नमक का कम से कम आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये ग्राइंड करते हैं फिर से। तो लीजिए ये हमारा जूस एकदम तैयार हो गया है। अब हम इसे 1 ग्लास में डाल देते हैं। तो इसको आप ऐसे निकाल के आप 1 ग्लास में भर सकते हैं, ठीक है। ये इसको आप हमें नहीं पीना है, 1 ग्लास में जो है इसे हम पी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो लीजिए ये तैयार हो गया है हमारा पिचोरे का जूस। ध्यान दें इसमें आप आपके स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं, बट इसका प्रमाण थोड़ा बहुत कम ही हो,
ऐसा आप करें, इसको एक ही बार में आपको आपको बिना सांस लिए एक ही श्वास में आपको पी जाना है। बहुत ये इसका इसका स्वाद बहुत ही खट्टा है। सो इसमें इसको आप हर रोज इस्तेमाल ना करें, कृपया एक दिन या दो दिन छोड़कर एक बार आप इसे पी सकते हैं। तो इसे भूले नहीं कि इसको एक ही श्वास में आपको पीना है, ठीक है? फ्रेंड्स, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।